हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक कमाल के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और ये शायद आपके लिए गाइडलाइन भी हो सकती है। मतलब आपको आज मैं थोड़ा गाइड करूंगा। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि टॉप 10 कैटेगरीज जिससे आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो यूट्यूब में। दोस्तों, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए जल्दी से, पहले उसे देख लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहां पे लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो वाले वीडियो को देख लीजिए। और आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, टॉप 5 ऐसी कैटेगरीज जो यूट्यूब पे कभी ग्रो नहीं होगी, मोनेटाइजेशन भी शायद नहीं ऑन हो सकता। हाँ दोस्तों, मोनेटाइजेशन भी शायद ऑन नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी टॉप 5 कैटेगरीज जो यूट्यूब पे कभी ग्रो नहीं होगी, उनको अच्छे व्यूज नहीं मिलेंगे, अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इंट्रो तो बनता ही। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है क्रिश, आप देख रहे हैं क्रिश टॉक्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे और एक कमाल के वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कौन सी है 5 कैटेगरी जो यूट्यूब पे कभी ग्रो नहीं होगी, और अगर ग्रो हो जाएगी तो भी उसका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है वो है डीजे रिमिक्स या फिर सॉन्ग मिक्सिंग करके उसमें बीट्स ऐड करना। हाँ दोस्तों, ये कभी भी यूट्यूब पे ग्रो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं करते हो, आप बस सॉन्ग दो तीन लेते हो कोई भी रैंडम, उसमें बीट्स डाल देते हो और उसको ज्वाइंट करके रख देते हो, या फिर उसके डीजे रिमिक्स बना देते हो। तो दोस्तों, ऐसे चैनल यूट्यूब पे ग्रो नहीं होंगे, और अगर आपके ग्रो भी हो गए, सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल गए, तो भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। दोस्तों, आपका मोनेटाइजेशन बिल्कुल ही ऑन नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं ये चैनल बना रहा हूँ, इसमें तो मेहनत ही नहीं है, कंसिस्टेंट मैं डाल दूंगा वीडियो, नहीं दोस्तों, आप मत बनाइए, ये काम ही नहीं आएगा, ये ग्रो ही नहीं करेगा, और आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं होगा। और अगर आपका ऑन हो भी जाएगा तो यूट्यूब के पॉलिसी के द्वारा वो वापस से बंद कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है वो कौन सी है। तो जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है, अगर आप यूट्यूब पे कुछ वेबसाइट स्क्रीन रिकॉर्ड करके कोई वेबसाइट दिखा रहे हो या कुछ भी एप्लीकेशन दिखा रहे हो। तब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि आप भी एप्लीकेशन दिखाते हो स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो और उसमें जो लिखा है आप वही बता रहे हो। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई ट्यूटोरियल सिखा रहे हो कि कैसे ब्लॉग बनाना है, ये वेबसाइट पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है कैसे, वो अगर आप सिखा रहे हो तो वो चलता है, वो मोनेटाइज होगा। पर दोस्तों, अगर आप कुछ सिखाई नहीं, तो आपने फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ की वेबसाइट ओपन की और उसमें जो न्यूज़ दिख रही है वही आप सेम टू सेम उधर से पढ़ के बोल रहे हो और वॉइस ओवर कर रहे हो, तो दोस्तों नहीं, ऐसा ग्रो भी नहीं होगा और ये मोनेटाइज भी कभी नहीं होगा। हाँ दोस्तों, यूट्यूब में ये अलाउड ही नहीं है। अगर आप कोई वेबसाइट का सेम कंटेंट पढ़ के ही डाल रहे हो तो वो अलाउड नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप कोई ट्यूटोरियल सिखा रहे हो तो चलेगा। तो आपको ये दोनों टाइप जो मैंने पहली बताई और दूसरी, ये में तो आपको बिल्कुल ही नहीं बनाने। और भी चलिए आगे डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की तरफ। तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है स्लाइड शो। हाँ दोस्तों, अगर आप एक कोई भी फोटोज ले रहे हो, दो तीन या फिर पांच छह फोटोज ले रहे हो, उसमें अलग अलग ट्रांजिशन डाल रहे हो और उसमें थोड़े बहुत टेक्स्ट लिख दिए और म्यूजिक डाल दिया और आप अपलोड कर रहे हो, नहीं दोस्तों ये कभी ग्रो नहीं होगा कि स्लाइड शो चल रहा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, चलो आपने उसमें कुछ मोटिवेशनल लिख दिया या फिर कोई फैक्ट लिख दिया, नहीं ऐसा ग्रो नहीं होगा। अगर आप उस पर अच्छा सा वॉइस ओवर करोगे, भले आप अपना फेस मत दिखाओ, आप फेस कैम मत करो, पर अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से आप कमेंट्री करो, उसके ऊपर वॉइस ओवर करो, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। पर अगर आप सिर्फ स्लाइड स्लो करोगे तो आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अब जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो है रील्स। इंस्टाग्राम पे जो रील्स आते हैं वो, या फिर टिकटॉक के वीडियोस पुराने, किसी के चिंगारी के, एमएक्स टकाटक, जोस, जो सब आजकल ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है उससे वो लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं बड़े बड़े स्टार्स के और उसको कंबाइन करके डाल देते हैं। तो दोस्तों नहीं, ये चैनल भी ग्रो नहीं होगा यूट्यूब पे, और आपको स्ट्राइक भी मिल सकती है दोस्तों। अगर उस आदमी ने स्ट्राइक दे दी आपको तो एक स्ट्राइक भी मिल सकती है। आजकल लोग क्या करते हैं कि दो तीन वीडियो लेते हैं वो कोई भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म से, उसको एडिट करते हैं, मिक्स करते हैं और डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, इससे आपको ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और आपको सामने स्ट्राइक भी आ सकती है चैनल पे। अब जो हमारी लास्ट और फिफ्थ कैटेगरी है वो है
माइंडलेस वीडियो। हाँ अगर दोस्तों आप माइंडलेस वीडियो बना रहे हो कुछ ऐसे बिना सोचे, अगर आप कहीं पे भी घूमने गए तो आपने बस वो फोटो खींच के बना दिया एक वीडियो, फिर यहाँ आपने कहीं भी कुछ भी देख रहे हो उसको वीडियो बना दिया, जिससे ना तो कोई नॉलेज मिल रहा है, ना ही कुछ एजुकेशन है, ना ही एंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस ऐसे ही वीडियो है। अगर मान लो वो वायरल भी हो गया या फिर आपने कोई एक्सीडेंट हुआ उसका वीडियो बना के डाल दिया, नहीं दोस्तों ये ग्रो नहीं होगा यूट्यूब पे, इसमें आपको अच्छे व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ आपका चैनल मोनेटाइज तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कौन सी ऐसी 5 कैटेगरी, अगर आप भी यूट्यूब चैनल ओपन करने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो शेयर ज़रूर से करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आप भी ज़रूर से देखें इसको, ताकि आपको भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाए कि कौन से चैनल आपको ओपन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो ये 5 कैटेगरी में चैनल ओपन मत कीजिए, और अगर आपको चैनल ओपन करनी है तो मैंने उस पर पहले से वीडियो बना के रखा है, जाइए जल्दी से देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जाइए जल्दी से देख लीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ बनिए हमारे फैमिली का हिस्सा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिश टॉक्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप अपडेटेड हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलता रहे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर से बताइए, मैं उसे ज़रूर से सॉल्व करके दूंगा आपको। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, करेंगे कोई नई ट्रिक को एक्सप्लोर, कोई नए टॉपिक पर डिस्कशन। तो बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।